Welcome back to my channel. Hi, I'm Priyanka and thank you so much for watching Pigu Express. आज का वीडियो मेकअप हॉल होने वाला है जो पूरा पर्पल से है, स्पॉन्सर्ड है, मैंने खुद अपने लिए खरीदा है। मैक्सिमम प्रोडक्ट NYV का है, मतलब जो शक्ति मोहन का ब्रांड है उसी का ही है। उसका मेकअप प्रोडक्ट बहुत चीप होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले शुरू करें एज अ बिगनर, तो क्यों ना उसी से ही शुरू किया जाए। पहले सीख लेंगे तो अच्छे प्रोडक्ट्स बाद में खरीद लेंगे, हो सकता है ये भी अच्छे निकल जाए तो हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे, कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा एक दो बार मैंने यूज़ किया है तो एक दो बार का रिव्यू मैं दे दूँगी कि कैसा लगा एक टाइम यूज़ में। मेरा पहला प्रोडक्ट है NYV का प्राइमर, ब्लेंड्स लाइक ए ड्रीम, हाइड्रेटिंग इन नेचर, लाइट वेट फॉर्मूला, मिनिमाइजेस पोर, स्मूथन्स द स्किन एंड परफेक्ट बेस टू ए फ्लॉलेस लुक। और इसका प्राइस 225 रिटर्न है। मुझे कितने में आ गया था वो मैं स्क्रीन में दे दूंगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इसका रिव्यू भी नेट पे बहुत अच्छा था, तो ये वर्थ इट है। अगर बिगनर है और प्राइमर चाहिए तो ये वाला सही रहेगा पहले स्टार्ट के लिए, बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी सही है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है NYV का CC क्रीम विथ SPF 20, इन्फ्यूज्ड विथ स्किन मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स, ऑलिव एंड व्हीट क्रीम, एक्टिवेट्स ब्राइटन द स्क्रीन, वाटर रेजिस्टेंट, ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, लाइट वेट फॉर्मूला, जो ये सारे में लिखा हुआ है। और रहा सीसी क्रीम, मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा मेरे कॉम्प्लेक्शन में आ जाता है। और एक ही ख़राब बात है कि आप इसको निकालते ही इसका क्रीम सारा ही अपने आप ही निकल जा रहा है, ये थोड़ा हैंडल करने में तकलीफ होता है, वरना प्रोडक्ट सही है। ये क्रीम इसलिए अच्छा लगा कि इन्होंने थोड़ा डार्क सीसी क्रीम किया है, वरना सारे सीसी क्रीम बहुत लाइट होता है और चेहरे पे लगाने से वो स्पॉट जैसे रह जाता है, मतलब बहुत वाइट वाइट लगता है। ये थोड़ा सा डार्क में है, तो इसलिए अच्छा ही लगा। बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पर ज़्यादा मतलब 50-50 अगर ले रहे हो तो सही है, मतलब सीसी क्रीम है, रेगुलर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत लेना क्योंकि ज़्यादा लेने से फिर वो मतलब ये फुल कवरेज नहीं देता, लाइट से मीडियम कवरेज, मतलब लाइट ही समझो, बहुत लाइट कवरेज देता है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर भी काम चलाओ है, रेगुलर यूज़ अगर कर रहे हो, वीडियोज़ कर रहे हो या फिर रेगुलर फोटोशूट के लिए, तो ये काम में आ जाएगा। नेक्स्ट है NYV का बी देयर फॉर यू लिक्विड फाउंडेशन। ये मैंने डार्क शेड मंगवाया था, पर देखिए इतना लाइट शेड आया है, ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड आया है और मेरे स्किन पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है पूरा वाइट किसी ने इसे लगा दिया है, तो शेड सही नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम मैं कोई फाउंडेशन इसे डार्क लेती हूँ, ज़्यादा डार्क, तो थोड़ा मिला के यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको एक बार यूज़ किया था, नेक्स्ट बार से कभी नहीं यूज़ किया क्योंकि लाइट कलर ही लाइट आ गया, वरना प्रोडक्ट सही है। इसका NYV का एक ही ये है कि सब बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, थोड़ा लीजिएगा तो आराम से पूरा फुल में हो जाएगा चेहरे पे, लाइट कवरेज है, ज़्यादा कवरेज नहीं है। तो नेक्स्ट है NYV का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर। कंसीलर सही है, यूज़ करने के लिए सही है, बहुत अच्छा है रेगुलर यूज़ के लिए, पर फुल वही ये है कि फुल कवरेज नहीं है, जस्ट हाईली ये कंसील कर देता है, पर अच्छा है। अगर आप करेक्टर यूज़ करें उसके ऊपर ही कंसीलर यूज़ कीजिएगा तो मेकअप थोड़ा अच्छा लगेगा, ये मेरे लिए सही है। फाउंडेशन दोनों को छोड़ के ये वाला बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये छोटे छोटे दो, एक है NYV का फाउंडेशन कंसीलर कंटोर कलर करेक्शन स्टिक, दोनों ही है, एक है ब्राउन कलर का और एक ऑरेंज कलर का है। मैंने दो कलर इसलिए मंगवाए कि ब्राउन वाला कंटूर करेंगे कर सकते हो और ऑरेंज वाला कलर करेक्शन के लिए काम आता है। यहाँ पे जो ज़्यादा थोड़ा डार्क होता है उसमें ऑरेंज कलर काम आ जाता है और ब्राउन कलर कंटूर में काम आ जाता है, इसलिए मैंने दोनों मंगवाए, स्टिक में आता है। ये यूज़ करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, कलर करेक्शन वाला भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कॉन्टोर वाला भी, अगर इससे थोड़ा डार्क शेड होता भी चल जाता, पर ये भी चल रहा है, बहुत अच्छा है ये दोनों। ये स्टिक फॉर्म में है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ रहा, निकालो और थोड़ा थोड़ा लगा लो, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट है मेरा NYV का कॉम्पैक्ट,
का लेजेंड वेट फॉर इट डेरी कॉम्पैक्ट एसपीएफ 40 के साथ। इसमें ऐसे एक पाउच दिया है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो और ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये है रहा पाउडर, ये बहुत सही है, बहुत अच्छा है, क्वांटिटी में सही है। और ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत कन्वीनियंट यूज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे से पिगमेंटेड है, मतलब बहुत अच्छा है। तो आप अगर लेना चाहते हो कॉम्पैक्ट पाउडर वो भी कम दाम में, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है मस्कारा। मस्कारा का मैंने ये वॉक फ्री वाटर प्रूफ लॉन्ग लैश मस्कारा स्मज प्रूफ वॉक फ्री का है, सबसे चीपेस्ट यही और अच्छा यही था और रिव्यू में भी बहुत अच्छा था। और मैंने अभी यूज़ किया हुआ है, आप अगर देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा लगा। लैक्मी का आइकॉनिक का जैसे आता है, ये वाला सेम उसी पैकेजिंग में और उसी स्टाइल में है और बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और ज़्यादा स्मज नहीं होता। पैसे के हिसाब से ये वर्थ इट है, तो बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं यहाँ पे शो कर दूंगी। ये था मस्कारा। नेक्स्ट है लाइनर। लाइनर अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आप लिक्विड लाइनर, मतलब ऐसे वाला कुछ ले जो पहले यूज़ करने में आसानी हो। तो ये वाला है आईटेक्स का डेजलर, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब ये हम लोग जब छोटे थे तब से है, ये तब से यूज़ में है। तो मुझे इसका आइडिया था कि कैसे होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही से लिया कि मुझे लाइनर लगाना नहीं आता है, सॉरी, अभी मैं सीख रही हूँ, तो इसीलिए फर्स्ट ट्राई ले लिया। और एक आईटेक्स का मेरे पास वो स्केच वाला भी है, उसको थोड़ा वो ड्राई हो गया था इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये वर्थ इट है, ये बहुत कम दाम में आ जाता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा, पहले मतलब सीखने के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक मैंने ब्रश सेट मंगवाया था और एक आई शेडो पैलेट मंगवाया था। ब्रश सेट जो है वो बीपी ब्रोंसन प्रोफेशनल कुछ ऐसे है, ये वाला 300 के अंडर आ गया था और वो ऐसे कवर में आता है, निकाल सकते हो और इतने सारे ब्रश आ जाते हैं 300 में, इतने टाइप के वो ब्रश दे देता है 300 में। मुझे सारे ब्रश पसंद आए, पर वो फाउंडेशन वाला ब्रश नहीं है जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है फाउंडेशन लगाने के लिए, वो वाला इसमें नहीं है। ये दोनों जो है पूरा सेम है, बस इसका थोड़ा डेंस ज़्यादा है और इसका कम है। ये खाली आप अगर कॉम्पैक्ट लगा रहे हो और इसमें प्लस लगा सकते हो, पर फाउंडेशन के लिए कोई भी टूल नहीं है। आई मेकअप के लिए सारा टूल है। और आप अगर इसके साथ एक स्पॉन्ज, ब्यूटी स्पॉन्ज ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं और स्पंज से आप कुछ भी ब्लेंड कर सकते हो। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपके पास पॉकेट मनी अच्छे से नहीं आ जाता है तो ये आपके पास अच्छे से रहेगा। और क्वालिटी इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा भी दिख रहा है, क्यूट लग रहा है और ये बॉक्स बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है कैरी करने के लिए। तो यस, आई लाइक दिस। नेक्स्ट जो मेरा आई शेडो पैलेट है वो है क्लैमी कॉस्मेटिक का 48 कलर आई शेडो, ये कुछ इस तरह से दिखता है, खोलोगे तो ये ऊपर से, और कलर्स कुछ इतने वैरायटी के हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के कलर्स हैं। मुझे आई शेडो पैलेट बहुत पसंद आए, अगर आप पार्टी वेयर हैं, ज़्यादा बाहर जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरिट है कि इसमें कलर बहुत सारे एक जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ से ब्राउन ब्राउन ब्राउन, कितने सारे ब्राउन हैं, मतलब थोड़ा बड़ा पैलेट कर दिया है पर उसमें कलर दो तीन पूरा सेम है, पूरा वही कलर है, ये थोड़ा है। और कि सारे कलर ग्लिटरी है, मतलब शाइनी कलर है, मैट फिनिश नहीं है बिल्कुल भी एक भी कलर में। तो अगर इसके साथ आप एक मैट फिनिश का कोई भी आई शेडो पैलेट ले लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अभी तो मेरा इसमें ही काम बन जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ तो इसी में से एक ड्रेस के हिसाब से कलर चूज़ करके लगा लेती हूँ। अभी मेरे लिए ये चल रहा है, जब मैं न्यूड किसी का भी खरीदूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। मुझे अच्छा लगा, पिगमेंटेड भी है, आप देख सकते हैं।
इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है, आराम से ब्लेंड भी हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो ये था मेरा आई शेडो पैलेट, ये था मेरा पर्पल का एक मेकअप हॉल जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा प्रोडक्ट एक बारी में खरीदा था, और ये मेरे सारे प्रोडक्ट अंडर 2000 में ही आ गया था। मतलब ये बिजनेस अगर आप ये सब लेते हो 2000 में आपका आराम से आ जाएगा सारा मेकअप का प्रोडक्ट। तो देख लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है, और मेरे हिसाब से मुझे आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा लगा, मेकअप ब्रश शेड बहुत अच्छा लगा, सीसी क्रीम ओके है, प्राइमर बहुत अच्छा लगा, ये करेक्शन स्टिक दो है ये वाले बहुत अच्छे लगे, मस्कारा लाइनर ये दोनों अच्छे हैं, और फाउंडेशन ठीक ठाक था, कनेक्शन वाला कंसीलर वाला भी ठीक ठाक था। तो ये सारे थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट, और आज मैंने इसी से ही मेकअप किया है। आप अगर देख सकते हैं तो आपको अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा देखिए ग्लिटरी ग्लोई है पूरा ही, अगर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेकअप वाला लुक अच्छा लगा हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगी कि ये मेकअप आप कैसे अचीव कर सकते हो शॉर्ट वीडियोस में। तो इंस्टा में भी बने रहिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ स्किन केयर हेयर केयर सब के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो आखिरी में चलो सपनों से भर दे अपनी दुनिया जिसमें ना हो कोई कमियां।